हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कहीं दीप जले के बिहाइंड द सीन्स और इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान नीलम मुनीर की जो एक्टिविटीज रही हैं, उनकी डिटेल्स बताऊंगी नीलम मुनीर अपने हेयर स्टाइल और अपने मेकअप को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इसलिए इनका एक ही हेयर स्टाइलिस्ट है जो आपको हर ड्रामे के सेट पे दिखेगा और रही बात मेकअप की तो वो अपना थोड़ा बहुत टचअप खुद ही कर लेती हैं वो बहुत कम किसी को अपनी स्किन को टच करने देती हैं और वैसे भी आप सबको पता है कि उनकी स्किन इतनी प्यारी है कि और वो खुद भी इतनी खूबसूरत हैं कि वो अगर थोड़ी सी लिपस्टिक ही लगा लेती हैं तो आ, वो लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं लेकिन ये ड्रेसेस को लेकर डायरेक्टर की चॉइस पर हमेशा एग्री होती हैं ड्रामा के सीन्स और शूट के हिसाब से डायरेक्टर इनको जो भी ड्रेस देता है इन्होंने कभी भी उसका इशू नहीं बनाया हमेशा वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती हैं नीलम मुनीर की कोशिश यही होती है कि वो एक ही टेक में सीन डन कर लें इसलिए आप हर वक्त जब भी उन्हें देखेंगे चाहे वो अपने रूम में हैं चाहे वो शूटिंग के सेट में हैं वो उनके हाथ में हमेशा स्क्रिप्ट होती है और वो हमेशा अपने डायलॉग्स जो हैं वो बार बार रिपीट करती हैं उनकी रिहर्सल करती रहती हैं ताकि उनका सीन जितनी जल्दी हो सके वो डन हो जाए और इसी बात से उनका डायरेक्टर उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि वो कभी भी उन्होंने सेकेंड टेक नहीं दिया नीला मुनीर कहती हैं कि जब उन्होंने ये स्टोरी पढ़ी तो उनको ये लगा कि वो इस करेक्टर के लिए बेस्ट हैं और वो इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं इमरान अशरफ अपने मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं जब हेयर स्टाइलिस्ट इनका डन कर लेता है लेकिन फिर भी वो शूट से पहले जरूर एक दफा अपना टचअप करते हैं एक दफा चेक करते हैं कि वो अच्छे लग रहे हैं या नहीं और इसके अलावा वो अपने कपड़ों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि वो किस सीन के लिए कौन से ब्रांड के कपड़े यूज करेंगे अपने ड्रामे के प्रमोशन के लिए बहुत दफा मॉर्निंग शोज में भी आए और इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम पे अपने फेसबुक पे अपने फैन पेजेस वगैरह पे सब पे अपने ड्रामे को प्रमोट किया इस पूरी टीम ने इस ड्रामे की शूटिंग के दौरान बहुत ज्यादा फन किया इन्होंने बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा पिक्चर्स खिंचवाई पूरी ग्रुप फोटोज खिंचवाई तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग